अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज अजमेर के अनेक स्थानों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित इस योग दिवस में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह लेकर भाग लिया। अजमेर में जिला स्तर का बड़ा कार्यक्रम पटेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न राजनीतिक हस्तियों ने योग शिविर में भाग लिया और पुलिस अधिकारी भी इस योग शिविर में शामिल हुए। योग गुरु के सानिध्य में आयोजित योग शिविर में स्वस्थ रहने के गुर सिखाए गए। तो वहीं नियमित योग अभ्यास के दौरान शरीर को होने वाले लाभों की जानकारी दी। प्रदेश की वसुंधरा सरकार के खिलाफ राज्य कर्मचारियों का आक्रोश अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज जेल प्रहरियों ने भी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। सातवें वेतन आयोग के सहित जेल में मैच और अन्य वाजिब मांगों को लेकर जेल प्रहरियों ने आज जेल में प्रदर्शन करने के पश्चात जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार की मंशा के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज कराई। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे इन जेल प्रहरियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार को ललकारा कि समय रहते इनकी वाजिब मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जल्द ही जेल में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। वेतन विसंगतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे राजस्व कर्मियों के आंदोलन का खामियाजा अब आम लोगों सहित विद्यार्थी वर्ग को भी भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें नए शिक्षा सत्र में दाखिला लेने के लिए अनेक दस्तावेज की जरूरत पड़ रही है। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अवकाश पर उतरे पटवारी कानून नायब और तहसीलदार के नहीं होने से जहां कार्यालय में वीरानी पसरी हुई है, तो वहीं कॉलेज में जारी आवेदन प्रक्रिया के तहत लोगों को अवकाश दस्तावेज के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 55 के वासिंदों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी दर्ज कराई। वार्ड नंबर 55 के शास्त्री नगर इलाके के वासिंदों ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष तक इस इलाके में जहां पानी की सप्लाई नहीं के बराबर हो पाती थी, वह जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों से पानी सप्लाई कर आम जनता को राहत प्रदान की जाती थी। जनता भी जैसे तैसे अपना गुजारा पानी की इस कम आपूर्ति के बावजूद कर लेती थी, लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा पानी के टैंकरों पर रोक लगाए जाने के बाद क्षेत्र की हालत बदतर होती जा रही है। ऊंचाई पर होने के कारण इस इलाके में पानी का प्रेशर नहीं आने से लोगों को पीने के पानी तक के लिए मोहताज होना पड़ता है। परेशान लोगों ने आरोप लगाया है कि इस मामले को लेकर अनेकों बार जलदाय विभाग में अनेक अधिकारियों को ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी तरह की कोई समस्या समाधान नहीं होने के कारण पानी के लिए बूंद बूंद का मोहताज होना पड़ता है। तोपदड़ा इलाके में रहने वाली आज नानकी देवी ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाकर अपने पुत्र वधू की प्रताड़ना का शिकार होने की शिकायत की। मृदा का आरोप है कि उसकी पुत्र वधू दीक्षा उसे आए दिन हर बात पर जलीकट्टी सुनाती है और आए दिन उसके साथ मारपीट भी कर डालती है। मृदा की हालत नाजुक बनी हुई है और उसकी हालत खराब होने में ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर पहुँचे सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपनी पुत्र वधू के खिलाफ जिला प्रशासन के समक्ष शिकायत लेकर आई मृदा नानकी देवी ने आरोप लगाया कि बीती रात भी दीक्षा ने उसके साथ बेवजह मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। मृदा ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं, ऐसी स्थिति में बस जाए तो जाए कहाँ, और यह भी बताया कि उसकी बहू दीक्षा उसके मकान पर कब्जा करने की नीयत से उसे प्रताड़ित करती है, धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल देती है। इस पर जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई के आश्वासन देकर मृदा को उसके घर रवाना किया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में गुजर धरती क्षेत्र में आज उस वक्त सनसनी का माहौल बन गया, जब एक महीने से बंद पड़े एक मकान में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग का शोला तेजी से भड़कने लगा। कच्ची बस्ती में लगी आग ने कुछ मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया, मकान को भयंकर लपटों से घेर लिया। मकान में आग लगती देख क्षेत्रवासी दौड़ पड़े और आग बुझाने के प्रयास अपने स्तर पर शुरू कर दिए। जानकारी के मुताबिक इस मकान में घरेलू उपयोग के लगभग सभी वस्तुएं मौजूद थी, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर भी शामिल था। आग लगी देख लोगों ने तुरंत ही मामले की जानकारी अलवर गेट थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी, लेकिन लगभग पौन घंटा बीतने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। क्षेत्रवासियों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए। हेडपंप से पाइप लगाकर इस आग को बुझाने में सफलता हासिल की। आग बुझने के लगभग 5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारी पाइप लेकर उस क्षेत्र पहुंचे जहां मकान में आग लगी थी।